तुम्हारी हाथ की रेखाओं को देख के मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें संतान का सुख पाने के लिए हर रोज मंदिर जाना होगा और हो सके तो भगवान को हर रोज फूल भी चढ़ाने होंगे, इससे तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। हेलो, मैं विक्रम, बाबा के कहने के मुताबिक पिछले 6 साल से भगवान के पास सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, मुझे एक औलाद दे दो भगवान, मुझे एक औलाद दे दो। अब तक क्या क्या नहीं किया मैंने, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, हफ्ते में 2-2 बार अभिषेक, अब लगता है ये कुछ भी बाकी नहीं रहा। भगवान, तू सबकी सुनता है ना, मेरी बात कब सुनेगा, कब सुनेगा भगवान। अरे आगे जा। मुझे एक औलाद दे दो भगवान, मुझे एक औलाद दे दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो तुम उस पर इतना सख्त हो गया। नहीं यार, आगे जाओ। अरे भिखारी भी ना, हमेशा मुझे से पैसे मांगता है, जरा तो रहम दिखाओ भगवान, मुझे एक संतान दे दो। भगवान, मुझे भी थोड़ी खुशियां दे दो। छह साल हो गए, घर में कोई शांति नहीं है, और कितने दिन। आज तक मैं मानता था कि तेरे घर में तेर है, अंधेर नहीं, पर आज यकीन हो रहा है कि तेरे घर में अंधेर भी है और देर भी। आज मेरे धैर्य की इंतहा हो गई, ऊपर वाले शायद तू है ही नहीं। ऊपर वाले, अब तक तूने मेरी मदद नहीं की, पर मैं आज इसकी मदद जरूर करूंगा। सुनता है वो सब की, सुनेगा तुम्हारी भी, एक बार सच्चे मन से उसे भी पुकार के देख, बस धैर्य।